नमस्कार, मैं हूं शिवानी। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारे बिहारी न्यूज़ के सभी टीम मेंबर की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इन स्टेशनों के 77 जगहों पर लगी शहीदों की फोटो प्रदर्शनी। 16 अगस्त को शपथ ले सकते हैं नए सरकार के मंत्री। आज सम्मानित किए जाएंगे बिहार के 26 पुलिसकर्मी। मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल होने आज पटना आएंगे लालू यादव। अरिजीत सिंह गरीब बच्चों के लिए शुरू करेंगे फ्री कोचिंग सेंटर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस साल स्वतंत्रता दिवस है बेहद खास। आज यानी 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में 20 करोड़ घरों भवनों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सभी धर्मों के लोग अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लगाकर एकता का मिसाल पेश कर रहे हैं। पूरे भारत को तिरंगे की छवि में बदल दिया गया है। इस दौरान आज देश के 150 स्मारक तिरंगे की थीम पर जगमग कर रहे हैं। साथ ही ASI अपने 150 स्मारक स्थलों पर आज राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहा है। अन्य स्थलों में दौलताबाद, शेरगढ़, भानगढ़, जैसलमेर किला, दमन किला, दीव किला और पावागढ़ शामिल है। यही नहीं, देश भर में सभी ASI संरक्षित स्मारकों और स्थल परिसरों में घरेलू और विशेष आगंतुकों के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की गई है। इन स्टेशनों के 77 जगहों पर लगी शहीदों की फोटो प्रदर्शनी। पूरा भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बीच रेलवे की अपनी तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके तहत भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेल के द्वारा शहीदों के सम्मान में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल द्वारा भारत विभाजन की विभीषिका की याद में बीते दिन पुमरे के हाजीपुर स्थित मुख्यालय सहित सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। वहीं पूर्व मध्य रेल के द्वारा पटना और मुजफ्फरपुर जंक्शन के साथ 77 जगहों पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सड़क हादसा कम करने के लिए जल्द ही लागू होगा नया गाइडलाइन। राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा परिषद के माध्यम से अहम कदम उठाया गया है। इसके लिए राज्य भर में सड़क हादसा कम करने के लिए गाइडलाइन बनाया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयार किया है। जल्द ही इस ड्राफ्ट की सरकार के स्तर पर मंजूरी मिल जाएगी और इसे लागू किया जाएगा। मालूम हो कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ग्रामीण इलाका सहित पटना के ही कई सड़क और चौक चौराहे ऐसे हैं जहाँ आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। NIT कुरुक्षेत्र ने कुल इतने रिक्त पदों पर निकाली भर्तियां। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कुरुक्षेत्र ने विभिन्न डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 99 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित विषय में PhD डिग्री के साथ ही 6 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nitkkr.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। BPSC सरसठवीं परीक्षा का इंतजार जल्द होगा खत्म। BPSC की सरसठवीं प्रतियोगिता परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि कब परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। इस बीच आयोग ने यह तो साफ कर दिया है कि BPSC की परीक्षा कब दोबारा ली जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि BPSC के अनुसार सरसठवीं प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में दुर्गा पूजा से पहले ली जा सकती है। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि अगस्त माह के अंत तक परीक्षा हो सकती है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण तारीख को सितंबर माह तक के लिए टाल दिया गया है। 16 अगस्त को शपथ ले सकते हैं नए सरकार के मंत्री। महागठबंधन की नई सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख लगभग तय हो चुकी है, जो कि 16 अगस्त मंगलवार को बताया जा रहा है। मालूम हो कि नीतीश कुमार के महागठबंधन नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल के मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम शेष है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने बीते दिन कहा कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 अगस्त को होने की संभावना है, राज्यपाल से इसके लिए समय लिया जाएगा। वहीं महागठबंधन में शामिल दलों के बीच मंत्री
मंत्रियों की संख्या बंटवारे का आम राय बन चुकी है। जदयू को जहां 12 से 13 मंत्रियों का कोटा मिलने की संभावना है, वहीं राजद को 17 मंत्री पद मिलेगा। कांग्रेस के खाते में 3 मंत्री पद तय हैं, जबकि 1 मंत्री पद जीतकर नवमांचू की पार्टी हमको मिलने की संभावना है। आज सम्मानित किए जाएंगे बिहार के 26 पुलिसकर्मी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल ऐसे होनहार और कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे कर्मियों और अधिकारियों को सरकार सम्मानित करती है। ऐसे में इस बार भी बिहार की सुरक्षा में साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस बार बिहार के कुल 26 पुलिसकर्मी समेत अधिकारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित होंगे। केंद्र सरकार की ओर से सराहनीय सेवा के लिए बिहार के 26 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर 7 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं बिहार के 2 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा, जबकि 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल दिया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर दिन रात खुला रहेगा इस्कॉन मंदिर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिवस नजदीक आ रहा है और इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन 19 और 20 अगस्त को मनाया जाने वाला है। इस मौके पर पटना का इस्कॉन मंदिर 19 और 20 अगस्त को आम भक्तों के लिए दिन रात खुला रहेगा और साथ ही महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। यहाँ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 151 चांदी कलश और दक्षिणायन शंख से भगवान का अभिषेक होगा। इस बात की जानकारी इस्कॉन पटना के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास ने दी है। उन्होंने बताया कि पहली बार पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर हर लोग में उत्साह और उमंग का माहौल है। पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे की पुस्तक खरीद के लिए राशि हुई उपलब्ध। पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए खुशखबरी है। पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को पुस्तक की खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने मेधा सॉफ्ट पोर्टल के डाटा के अनुरूप DBT सेल को राशि उपलब्ध करा दी है। आपको बताते चले कि सत्र 2022-23 में सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत पहली से पांचवीं के छात्रों को 250 रुपये प्रति छात्र की दर से राशि दी गई है, जबकि छठी से आठवीं में अध्ययनरत छात्रों को 400 रुपये प्रति छात्र की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पुस्तक की खरीदारी के लिए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। सभी बच्चों के पास पुस्तक उपलब्ध होने के बाद इस आशय का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। जयमंगला गढ़ इस वजह से है बेहद खास। जयमंगला गढ़ 52 शक्ति पीठों में से एक है। यह बिहार के बेगूसराय जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर काबड़ में स्थित है। गुप्त आषाढ़ी नवरात्र के अवसर पर यहां माता के मंगला एवं सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवती सती के वाम स्कंध का पात यहां हुआ था, जिससे यह सिद्ध शक्ति पीठ है। इसको लेकर मान्यता यह भी है कि माता का यह सिद्ध स्थल दुर्गा के नवम स्वरूप में विद्यमान है तथा सिद्धि कामियों को सिद्धि प्रदान करती है। जयमंगलागढ़ के भग्नावशेष व शिलालेखों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता की मूर्ति है। कहा जाता है कि मंगला रूपा माता जयमंगला किसी के द्वारा स्थापित नहीं अपितु स्वतः प्रकट है। मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल होने आज पटना आएंगे लालू यादव। बिहार के नई सरकार बनने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव आज पटना लौट रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्रियों के नाम का भी खुलासा हो सकता है। इस तौर पर लालू यादव का पटना आना बेहद खास माना जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी इसको लेकर लालू परिवार के साथ साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं लालू यादव पटना आकर नीतीश कैबिनेट के विस्तार समारोह में शामिल होंगे और लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद यानी 16 अगस्त को सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया जाएगा। इन जिलों में मध्यम बारिश के आसार। बिहार में मॉनसून भले ही कमजोर है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सूरज की किरणों में तल्खी नहीं है। हवाओं की रफ्तार तेज है, जो कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। वहीं आज यानी 15 अगस्त के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के 21 जिलों में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज जिले में हल्के से मध्यम की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार में मौसम सामान्य बनी रहेगी। मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इस युवक को पड़ा महंगा। नवादा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि युवक के इस वीडियो को कई लोगों ने पसंद किया है तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। पकड़ा गया युवक टिंकल कुमार नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के दोपटा गांव के रहने वाले अजय पांडे का बेटा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उनकी खोजबीन में जुटी हुई है।
आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बीते दिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल एक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 17 अगस्त 2022 से होने वाली आरआरबी लेवल एक ग्रुप की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने ई कॉलेज और रेलवे के कैंडिडेट्स लॉगिन पोर्टल rrb.dzalm.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अरिजीत सिंह गरीब बच्चों के लिए शुरू करेंगे फ्री कोचिंग सेंटर। अपने सुरों के जादू से हमेशा अपने फैंस को कायल कर देने वाले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह का दिल भी उतना ही बड़ा और सॉफ्ट है। अपने सादगी के लिए जाने जाने वाले सुरों के बादशाह अरिजीत सिंह ने अपने होम टाउन के बच्चों को इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उन्होंने अपने होम टाउन में गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए फ्री कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। इसके लिए अरिजीत सिंह अपने शहर मुर्शिदाबाद के जियागंज के लोकल नर्सिंग कॉलेज भी पहुंचे। सिंगर कॉलेज में यह देखने के लिए पहुंचे थे कि अगर यहाँ कोई खाली कमरा हो तो इसे किराए पर लेकर क्लास शुरू की जा सके। रालोजपा सांसदों को तोड़ने की अफवाह फैलाने वाले का हुआ खुलासा। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद ये खबर भी खूब तेजी से फैल रही थी कि रालोजपा भी इस गठबंधन में शामिल होगा। हालांकि यह खबर झूठी साबित हुई। वहीं पशुपति कुमार पारस के बेटे प्रिंस ने बताया कि यह झूठी अफवाह कौन फैला रहा है। रालोजपा कार्यालय में सांसद प्रिंस राज, सांसद वीणा देवी, सांसद चंदन सिंह और सांसद महबूब अली कैसर इकट्ठे हुए। प्रिंस राज ने कहा कि हम लोग एक हैं, हमारी पार्टी के टूटने की भ्रामक खबर फैलाई जा रही। उन्होंने इसे विरोधी गुट की साजिश बताते हुए कहा कि उसके कई पदाधिकारी हमारे संपर्क में बने हुए हैं और जल्दी विरोधी गुट का सफाया हो जाएगा। रालोजपा में हम लोग एक हैं। भाजपा ने कहा चाचा भतीजे की जोड़ी का वैसा ही हाल होगा जैसे बुआ भतीजा का हुआ। जिस तरह से राजद और जदयू का रिश्ता पिछले कुछ वर्षों में टूटता और जुड़ता रहा है, ऐसे में बिहार के विपक्षी पार्टियों ने भविष्यवाणी कर दी है कि चाचा और भतीजे की जोड़ी कब तक टिकेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा का कहना है कि बिहार में जदयू और राजद के फिर से हाथ मिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक वनवास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के राजनीतिक परियों का हाल भी वैसा ही होगा जैसे उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा और बुआ भतीजा की असफल साझेदारी का हुआ था। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक वनवास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यह अगले लोकसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी। राजद प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी। ज्ञात हो कि हाल ही में राजद ने अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी जिसमें कुल 8 नाम शामिल थे, जिसमें लंबे समय से राजद प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी को छोड़कर, जिस पर सभी को हैरानी भी हुई थी। हालांकि अब यह नाम भी शामिल हो गया है। आरसीटी ने प्रवक्ता की जो लिस्ट जारी की है, पहले लिस्ट में मृत्युंजय तिवारी का नाम नहीं था। इसके बाद हंगामा होने लगा, फिर राजद ने दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें मृत्युंजय तिवारी का नाम है। बता दें कि पहली सूची में मृत्युंजय तिवारी और बंटू सिंह का नाम नहीं था। तेज प्रताप यादव ने कहा बीजेपी ने किया तंग तो बड़े भाई ने थाम लिया हाथ। जदयू द्वारा भाजपा का दामन छोड़ने का सच हर किसी को जानना है। इसकी चर्चा चारों तरफ से जदयू एनडीए का साथ छोड़ने की वजह कुछ और बताती है तो वहीं भाजपा के भी अपने बयान हैं। ऐसे में सच कौन कह रहा है कोई नहीं जानता। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बताया कि नीतीश कुमार ने एनडीए क्यों छोड़ा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी वाले नीतीश चाचा को अपमानित करने का काम कर रहे थे, इसलिए अपमान सहने से अच्छा है या विष पिए या साथ आ जाए अपने भाई के पास। साथ ही तेज प्रताप यादव ने बीजेपी को ललकारा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जिस तीर से रावण का वध किया था वह तीर अब नीतीश कुमार के पास है और इस तीर से नीतीश कुमार कमल का निशाना साधेंगे। पीएम मोदी ने राकेश झुनझुनवाला के निधन पर व्यक्त किया शोक। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में बीते दिन निधन हो गया। उनकी सफलता के कारण झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल और भारत का वारेन बफेट भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि आज उनकी नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपये की है। हाल ही में उन्होंने नई एयरलाइन कंपनी अकासा एयर में मोटा इन्वेस्टमेंट किया था और 7 अगस्त को कंपनी ने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया था। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक फोटो ट्वीट कर कहा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर मजाकिया और व्यवहारिक। वे अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वह भारत की प्रगति के प्रति भी भावुक थे, उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। इतिहास में 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी के दिन के रूप में दर्ज है। इसके अलावा 15 अगस्त 1972 के दिन पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड लागू किया गया था।
1519 में पनामा शहर बनाया गया। 1854 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली तक पहली यात्रा ट्रेन चलाई। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1886 में भारत के महान संत एवं विचारक गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का निधन हुआ। 1947 में रक्षा वीरता पुरस्कार, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना हुई। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महादेव देसाई का निधन 1942 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह का निधन 1947 को हुआ था। रॉस टेलर थप्पड़ कांड पर आया बीसीसीआई अधिकारी का बयान। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने हाल में अपनी आत्मकथा में एक सनसनीखेज खुलासा करके भारतीय क्रिकेट टीम को हिला कर रख दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी हुआ ब्लैक एंड व्हाइट शीर्षक वाले पुस्तक में टेलर ने अपनी बुक में लिखा कि आईपीएल के फ्रेंचाइजीज राजस्थान रॉयल्स के मालिकों में से एक ने उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा था क्योंकि वो पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मैच में 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि थप्पड़ जोर से नहीं मारा गया था, लेकिन उन्हें ये मजाक ऐसा भी नहीं लगा। यह मामला चर्चा में आने के बाद इनसाइड स्पोर्ट्स ने जब बीसीसीआई के एक अधिकारी से संपर्क किया और उनसे पूछताछ की क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी, तो अधिकारी ने कहा, मैं अभी यात्रा कर रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फ़ोन से लैपटॉप में फ़ोटो वीडियो इस तरीके से करें ट्रांसफ़र। यदि आप भी अपने पर्सनल डाटा को फ़ोन से लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आसानी से फ़ोटो के डाटा को लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पहला, USB ट्रांसफ़र। USB की मदद से फ़ोन से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करना सबसे आसान तरीकों में से एक है। दूसरा, OTG ट्रांसफ़र। OTG की मदद से डाटा ट्रांसफ़र करना भी बहुत आसान और इससे डाटा फटाफट ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तीसरा, ऑनलाइन क्लाउड ड्राइव अपलोड। आजकल लगभग हर कोई मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, ऐसे में डाटा को ऑनलाइन क्लाउड ड्राइव में रखना भी अच्छा ऑप्शन है। आज घर से निकलने के पहले जान लें राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। एक बार घर से निकलने के पहले इसकी जानकारी गूगल मैप के जरिए जरूर ले लें, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सोमवार 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक राजधानी पटना के कई रास्ते बंद रहेंगे। गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन होना है, ऐसे में VIP का मूवमेंट यहाँ होगा, लिहाजा गांधी मैदान आने जाने वाले रास्तों में यातायात में बदलाव किया गया है। फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, नेहरू पथ, अशोक राजपथ से गांधी मैदान आने वाली गाड़ियों के रास्ते में बदलाव किया गया है। यातायात SP अनिल कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे से गांधी मैदान में कार्यक्रम के खत्म होने तक कई रास्तों को बंद रखा जाएगा। बिहार में मिले COVID-19 के 150 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर कोरोना के 179 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 798 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 15, औरंगाबाद में 11, बांका और बेगूसराय में 1, भागलपुर में 12, भोजपुर और दरभंगा में 2, गया में 3, जमुई में 1, जहानाबाद, किशनगंज और कैमूर में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 9, नालंदा में 1, नवादा में 3, पटना में 63, पूर्णिया में 14, रोहतास में 1, सारण में 8, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सिवान में 3, सुपौल में 1 और वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 4 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 99,978 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 169 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है छोटी कुमारी, उमेश ऋषिदेव, महमूद किंग, राजेश मांझी, निकिता कुमारी, रामनवमी मांझी, राजीव कुमार, सोनू कुमार, अमरजीत कुमार, उपेश कुमार, सूरज कुमार, अरुण कुमार, संजीत कुमार, राहुल कुमार और पिंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज आप सभी देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ कैसे मना रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।